जैसा पब्लिक हेल्थ के तमाम अधिकारी और कर्मचारी को मैं कहना चाहता हूँ, लगातार सुबह से लेकर शाम तक सिरसा की जनता अनाप शनाप टैक्स भरती है, उसके बावजूद लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार मैंने जेई एसडी और एक्शन से विनती की कि सीवर की लाइन डलवा दें, लेकिन इन्होंने मेरी समस्या की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। यह समस्या आम आदमी की समस्या है। मैं इनको 20 मिनट का समय देता हूं, नहीं तो मैं ये नीम का पेड़ है इसके ऊपर चढ़ूंगा और इसके ऊपर भूगर्भ ताल शुरू करूंगा। मैंने पहले यहां पर बीन बजाया था। बीन बजाने का मतलब यह है भी सोया हुआ प्रशासन को जगाना। अगर आपने आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी समस्या का समाधान नहीं किया, मैं नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा। और मैं केला आया हूं और नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में मैं पूरी सिरसा की जनता को बुलाने का काम करूंगा। जहां जहां लोगों के काम अटके हुए हैं वहां वहां से लोगों को बुलाने का काम करूंगा। यहां पर एक पक्का मोर्चा बना दूंगा, मैं टेंट गाड़ दूंगा, भेड बकरी बांध दूंगा, भैंस ले आऊंगा, दूध काटांगा, रोटी पोवांगा, दूध पी के हाथी सोवांगा। आधी आधी अगर सुनते हैं एक संसार, मैं आधे घंटे का समय देता हूं, उसके बाद नीम के पेड़ पर चढ़ूंगा, भेड़ बकरी भैंस ले आऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, पूरी सरसा की जनता कम से कम 5,000 लोग इकट्ठा करूंगा। बैठे मैंने कम मांगियों में किलो आयो एक आवाज का साढ़े 5,000 लोगों को बुला दूंगा। मैं मेरी ताकत सिरसा की जनता है, पूरा घेराव कर दूंगा। आठी भैंस बंदर की बम गोबर की मेघ खेपड़ी आठी कराया मैं सारों की आठी बाड़ो बोटो सारों बना देगा। तो आधी घंटा को समय मेरी समस्या को समाधान कर दियो, इसी सही जनता की समस्या को समाधान करना पड़ेगा। अब मैं एक्शन साहब से मिला हूँ। एक्शन साहब ने मुझे दफ्तर में अंदर बुलाया था और चाय पानी आराम से बिठाकर पिलाई है। और इन्होंने कहा अभी पटेल बस्ती में एक वो सीवर का जो टुकड़ा था 40-50 फुट का, वो तो कल से शुरू हो जाएगा, वादा की है। और एमसी कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी का जो सीवर का टुकड़ा है, नई पाइपलाइन डालने का है, वो 15 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा साथियों। और इसके साथ साथ 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो एमसी कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी का जो सीवर का टुकड़ा है, पाइप का टुकड़ा है, वो ना डला, फिर मैं आकर यहाँ पर हड़ताल करूंगा।